अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक्स, ओपन चैप्टर नंबर 7। हम आज चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 था सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। टॉपिक है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इस बात को हमने प्रूव करना है कि किस तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हम किसी लिक्विड चीज़ को, उस चीज़ को कहते हैं जो किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, और वो लिक्विड मोस्टली वो लिक्विड ही होता है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह से है कि आलमोस्ट तमाम चीज़ों को पानी अपने अंदर, दुनिया में हर चीज़ को अपने अंदर हल कर सकता है सिवाए ऑयल और ग्रीस के। ये कुछ चीज़ें जो अपने अंदर वो हल नहीं कर सकता है। इसके अलावा तकरीबन तमाम चीज़ें पानी अपने अंदर हल कर सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को वो अपने अंदर हल कर सकता है। वाटर कैन डिज़ोल्व, डिज़ोल्व का मतलब होता है हल करना। वाटर कैन डिज़ोल्व शुगर, सॉल्ट, मिल्क एंड विनीगर। शुगर हम चीनी को कहते हैं, सॉल्ट हम नमकियात को कहते हैं, मिल्क दूध और विनीगर हम कहते हैं सिरका। इस तरह की तमाम चीज़ों को पानी अपने अंदर हल कर सकता है। उसके बाद द फूड वी ईट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन इन बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इन द ब्लड। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाके तो सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ, बॉडी के अंदर मौजूद पानी के अंदर वो मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बनाता है, और वो सॉल्यूशन फिर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सॉयल दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। पौधे जो हैं वो ज़मीन से मिनरल्स वगैरह, मादनियात वगैरह किस तरह से मिट्टी से लेते हैं कि वो जो ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स होती हैं वो पानी के अंदर हल हुई भी होती हैं, और प्लांट्स फिर अपनी रूट्स और स्टेम के ज़रिए वो पौधे के एंड पार्ट्स तक लेके जाते हैं। तो वो चीज़ें भी, अब प्लांट्स भी अपनी फूड किस चीज़ के अंदर डिज़ोल्व करके यूज़ कर रहे हैं, पानी के अंदर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्वाटिक प्लांट, हम यहाँ पे तो हमने कहा कि मिट्टी के अंदर से प्लांट्स अपनी फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर प्लांट्स किस तरह सर्वाइव करते हैं, या पानी के अंदर मौजूद एनिमल्स किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो पानी के अंदर भी गैसेस भी डिज़ोल्व हो सकती हैं, पानी के अंदर गैसेस भी डिज़ोल्व हो सकती हैं। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है, और पौधों को खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी होती है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर वो किस तरह ज़िंदा रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन वो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाती है। फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। इसी तरह से पानी के अंदर मौजूद पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, वो भी पानी के अंदर हल हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स अपनी फूड मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स पानी के अंदर हल हुई भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। तो ये आपने क्वेश्चन अपना रिवीजन के लिए अच्छे तरीके से याद करना है, इसको नोट्स लिखने नहीं हैं दोबारा, बस आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है और फिर एक टेस्ट की तरह लिख के या वॉइस में आपने मुझे ये सेंड कर देना है।